अस्सलाम वालेकुम। एक नया दौर जो कि पहली एपिसोड से ही शुरू होगा। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया, किसने जहर दिया ये तो हम एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन अब जो आने वाली जंगें होंगी उनके बारे में बात करेंगे। यकूबे का कहना है कि मैं सुल्तान बनूंगा तो क्या अब इनके बीच जंगें होंगी, कासरी भी नजर आए तो ये किसका साथ देंगे, इस पर भी बात करेंगे। ट्रेलर ओवरऑल बेहतरीन था और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो संजय के सिजलर है वो रहान का साथ देंगे और इनके साथ धोखा भी करेंगे। आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा और रहान को इन्होंने जख्मी किया था, इस पर भी बात करेंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी शहादत हो चुकी है, क्योंकि सभी सरदार आमने सामने आ चुके हैं जो कि एक सुल्तान चुनना चाहते हैं। उस्मान भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि यकूब को सुल्तान बनाया जाए, इसी वजह से रुकावटें पैदा होंगी, जंगे होंगी और पहली एपिसोड में ही नए दुश्मन देखने को मिलेंगे, कासरी भी हमें देखने को मिले। तो क्या ये यकूब का साथ देंगे या फिर उस्मान बे का? तो नाज़रीन यहाँ पे मैं वाजे करता हूँ, कासरी भी यकूब का ही साथ देंगे, लेकिन बाद में उस्मान बे का भी साथ देंगे। फिलहाल तो उनका ही साथ देंगे। नए सरदार भी देखने को मिले जो कि यकूबे के आमने सामने हैं, ये आपस में मिल जाएंगे और यकूबे का सुल्तान बनाना चाहेंगे, लेकिन उस्मान बे ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। उस्मान बे रुकावट पैदा करेंगे, या तो ये सब जान खान की मदद से किया जाएगा या फिर कुछ और भी किया जा सकता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में तफसील से बात करेंगे। अगर बात करें रहान की, रहान संजय के सिजलर के पास गया और रहान का कहना था कि मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, वहीं पर हमने लड़ाई भी देखी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई पहले हो चुकी होगी, यानी जो होलाफिरे को बचाने वाले सीन थे तो क्या उससे पहले फाइट हुई होगी? तो नाज़रीन ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से तो बाद में लड़ाई होगी, सीन मिक्स किए गए हैं, यानी जब रहान पहली बार मिलेगा वो सीन अलग है और जो बाद में लड़ाई वाले सीन दिखाए गए वो सीन कहीं अलग होंगे। खैर, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में तफसील से बात करेंगे और उस्मान बे के बारे में भी बात करेंगे, यानी अब कल ही बात करेंगे कि उस्मान बे अब क्या करेंगे, क्या उस्मान बे भी सुल्तान बनना चाहते हैं, इन सब पर ही हम कल बात करेंगे। लिहाजा जी सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।